होशंगाबाद प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या अब कांग्रेस की सरकार, दोनों ही सरकारों ने चलावा किया है। मामा के राज में सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला तो वही काका की सरकार में मैं भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वचन पत्र को पूरा करे, हमारी जल्द से जल्द मांगों पूरा करे। अयथा सेवा सहकारी समिति व शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन पानी नहीं बटेगा। तेज बारिश के चलते भी आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर पीपल चौक पर कलम बंद हड़ताल पर बैठे। सेवा सहकारी समिति व शासकीय उचित मूल्य दुकान के अधिकारी कर्मचारी, रक्षाबंधन का त्योहार, गरीबों को इस माह नहीं मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश सेवा सहकारी समिति महासंघ भोपाल की जिला इकाई होशंगाबाद के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास पीपल चौक पर अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मुख्य मांगों में कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण इस माह गरीबों को मिलने वाला राशन नहीं मिल पाएगा, जिससे कई परिवारों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गजेंद्र राजपूत, होशंगाबाद। मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा, मैं संभाग अध्यक्ष हूँ सहकारिता विभाग से। और हमारी मुख्य मांग सिर्फ इतनी है, और करीबन 15 साल से मांग कर रहे हैं कि हमारा केडर बनाया जाए, हमारा वेतनमान फिक्स करा जाए, और नीचे से ऊपर तक जितने कर्मचारी संस्था हैं उनको सबको रेगुलर वेतनमान शासन अपने कर्मचारी मान ले, जिस पद पर भी रखना है उस पद पर रखे, पर उनको शासन अपने कर्मचारी मानकर हमारी मांगें पूरी कर दे, वरना इस आंदोलन को और उग्र आंदोलन बनाया जाएगा और ना राशन कार्ड राशन पानी बटेगा ना खाद बीज बटेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे इसी बरसात में इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और किस बात को लेकर आज धरने पर बैठे? मैं साहब कमलेश पुरोहित नाम लिखता हूँ। मैं मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन संघ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सुहागपुर तहसील इकाई। विगत कई वर्षों से चली आ रही है हमारी ये मांगे, और चार दूसरी मांगे तो बहुत बड़ी मांगे नहीं है हमारी। तो मामा भी हमें आश्वासन देते रहे, वो भी अपने पाली को, और उसके बाद में थोड़ी सी उम्मीद करी थी शायद अब ये काका जी दे दें, तो ये काका जी भी नहीं दे पा रहे हैं। आश्वासन जरूर दिया और उसके बाद में कुछ नहीं, कोई झुंझुना पकड़ा के और फिर जो कहते हो व्यवस्थाएं कर दी, किस वजह से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करके बैठे हैं कि या तो हमारी मांगें पूरी होगी जब उठेंगे, अन्यथा की स्थिति में यहीं बैठे रहेंगे। अगर अपनी आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर आगे किस तरह का आंदोलन? इसके अलावा फिर दूसरी और भी आंदोलन जारी रहेगा, उग्र आंदोलन करेंगे इसके बाद भी। अब मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के द्वारा अभी हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है। ये जिला प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि ये PDS की दुकानों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अभी हालांकि इनके हड़ताल का भी एक दो दिन ही हुआ है, उम्मीद है कि ये हड़ताल जल्दी ही समाप्त होगी। इनकी मांगे राज्य स्तर की मांगे हैं और ये पूरे प्रदेश में इनकी हड़ताल चल रही है, तो यथासंभव ये शासन स्तर से इनकी समस्याओं पर कुछ न कुछ निराकरण होगा, और ये उम्मीद है कि ये हड़ताल शीघ्र ही समाप्त होगी। सर, इनका कहना है कि हम कलमबंद हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम किसी भी तरह का राशन नहीं बांटेंगे। अभी इनकी हड़ताल के कुछ ही दिन हुए हैं और अभी ऐसी संभावना है कि इनकी हड़ताल जल्दी समाप्त हो जाएगी। यदि हड़ताल लंबे समय तक चलती है तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएंगी।